बड़े बड़े बंगले और घरों को लूटते थे। और इनका जो सरगना है वो वसीम कमांडो है। वसीम कमांडो एक बहुत बड़ा टारगेट किलर भी है और 10 से ज़्यादा एफआईआरें हमें इसकी मिल गई हैं, जिसमें एक केस में एफआईआर में ये कोर्ट से मफरूर भी है, भत्ता भी लेते रहे और फिर ये टारगेट किलिंग से, भत्ते से अब हाउस रॉबरीज की तरफ जो है इसने अपना एक गैंग बनाया और उस गैंग के अभी 4 साथियों समेत ये गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्ज़े से एक गाड़ी निसान जिसमें ये वारदातें करते थे और 52 लाख रुपए की हमें रिकवरी हुई है, जिसमें से 27 लाख रुपए कैश है और तकरीबन 25 लाख रुपए के जेवरात हैं जो मुख्तलिफ़ घरों से इन्होंने लूटे हैं। इनसे कब्ज़े से हमें वेपन 4 पिस्टल और एक ग्रेनेड जो है वो इनकी गाड़ी में से बरामद हुआ है। गुलशन इकबाल 13D से इनकी जो है वो गिरफ्तारी, रेड हैंडेड कैच है ये। जब ये वारदात के लिए वहाँ पे घुसे हैं तो उस वक्त 15 पे कॉल हुई है और वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँची है। और वसीम का जो साबका ताल्लुक है वो हकीकी से है, MQM हकीकी से, और अब ये आजकल PSP में काम कर रहा है। 18 जगहों के इंकशाफात जो है वो इन्होंने हमें डोर टू डोर जो है वो बताए हैं और 100 के करीब इन्होंने इंकशाफ किया है। चूँकि इनकी गिरफ्तारी को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ये रात की कार्रवाई है, तो अभी हम मज़ीद जो है वो इनसे जो इंकशाफात हैं उसकी तस्दीक करेंगे। तकरीबन 100 से लगभग जो वारदातें हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर की हैं। और इससे पहले जो वसीम है, जैसे मैंने बताया कि इसका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रहा है और अभी भी एक इसने सियासी पार्टी में पनाह ले रखी थी और उसके प्लेटफॉर्म से ये ऑपरेट कर रहा था। इसकी वारदातें 12 साल बच्ची को इसने हलाक किया पाक कॉलोनी के इलाके में। इसी तरह पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की और एक वारदात में इसने 5 अफराद को कत्ल किया, उसमें एक ज़ख्मी हुआ। और इसी तरह जलाओ घेराओ और भत्ते के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये पुलिस को मतलूब है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करूं कि पिछले साल से हमारा स्ट्रीट क्राइम भी और हाउस रॉबरीज भी और तमाम क्राइम जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। और बाकियों का मुझे इसलिए नहीं पता कि वो स्टेटिक्स जो है वो मेरे पास मौजूद नहीं है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं बात आपसे ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, हाउस रॉबरीज हों या और जो हीनियस क्राइम है उसमें या स्ट्रीट क्राइम में, क्योंकि हमने बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए इसमें। एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड हमने बनाया और हमने मोबाइल्स बनाई हैं नई, तकरीबन 80 मोबाइल हैं इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर पेट्रोलिंग करती हैं, और 50 मोटरसाइकिलों का एक स्क्वाड है जो सिर्फ खुसूसन एंटी स्ट्रीट क्राइम पे काम करता है। और आपने देखा कि यहाँ पे पुलिस के मुकाबले भी हो रहे हैं, लाइव फायरिंग भी हो रही है और दिन रात हम कोशिश करते हैं, मेरी तमाम टीम जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि बेहतर से बेहतर जो है पुलिसिंग दें और ज़्यादा से ज़्यादा अमन अमान को जो है यहाँ पे बरकरार रखा जाए।